नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो आपसे कई डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिन डॉक्यूमेंट्स को आप साइन करते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं? लेकिन यह भी जान लीजिए कि बहुत जगह आप जाते हैं तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवाए जाते हैं। कई लोग मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के एक आध डॉक्यूमेंट कोई साइन किया और उसके बाद से शादी कर लेते हैं। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ वो डिक्लेरेशन एफिडेविट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब कभी भी कोई कपल शादी करने के लिए जाते हैं, चाहे वो रिचुअल परफॉर्म करा करके शादी करें या फिर आप कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर्ड कराने जाएँ, दोनों ही परिस्थिति में डिक्लेरेशन एफिडेविट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस एफिडेविट को नहीं बनाते हैं। जहां आप कम फीस के लालच में जाते हैं वहां पर तो बनाया ही नहीं जाता है डिक्लेरेशन एफिडेविट, क्योंकि डिक्लेरेशन एफिडेविट एक ऐसा चीज होता है जो कपल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लीड इंडिया में इस एफिडेविट को बनवाने के लिए किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, और चाहे आप रिचुअल परफॉर्म करा रहे हो या फिर आप कोर्ट में जाकर मैरिज को रजिस्टर्ड करा रहे हो, दोनों ही टाइम पे ये डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाए जाते हैं और उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड में शामिल भी किया जाता है। अब सवाल ये है कि डिक्लेरेशन और एफिडेविट होता क्या है, इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन जाती है। डिक्लेरेशन एफिडेविट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, जैसे लड़की का नाम, पता, कहाँ से वो आई है, इसके अलावा यह भी कि ये शादी बिना दान दहेज के हो रही है, बिना किसी दबाव के हो रहा है, एक पूरा फॉर्मेट होता है वो सब कुछ उसके अंदर लिखा जाता है। एक तरीके से इसको घोषणा पत्र लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप कोई भी स्टेटमेंट एफिडेविट पे देते हैं तो आप कल को अगर आप उस स्टेटमेंट से मुकरते हैं तो एक पनिशेबल ऑफेंस है और आपको उसमें इस इंफॉर्मेशन से मुकरने के लिए या रॉन्ग एफिडेविट फाइल करने के लिए भी आपके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं या आर्य समाज में मैरिज करने जा रहे हैं, रिचुअल्स मैरिज परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप डिक्लेरेशन एफिडेविट की ज़रूर बात करें, डिक्लेरेशन एफिडेविट देख लें कि है या नहीं है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि डिक्लेरेशन एफिडेविट अगर हो तो उसको सही तरीके से पढ़ लें और पढ़ करके ही उस पर साइन करें। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊँ कि जब आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है तो मैरिज सर्टिफिकेट में आपको कोई गलती मिल जाती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई या नाम या एड्रेस में गलती हो गई, तो एक बात और ध्यान रखिए कि आप कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हो तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए और उसके बाद ही साइन कीजिए, चाहे वो डिक्लेरेशन एफिडेविट हो या कुछ और डॉक्यूमेंट भी हो। क्योंकि अगर आपके सर्टिफिकेट पर कोई गलती आ रहा है तो बाद में जो वकील साहब होते हैं वो करेक्शन कराने के लिए या कोर्ट का जो फीस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं। तो जल्दबाजी में कुछ भी पेपर साइन करने से पहले एक बार देखिए और साइन कीजिए, तब जाकर के आप प्रोसेस में आगे बढ़िए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो डिक्लेरेशन एफिडेविट लीड इंडिया के माध्यम से अगर आप शादी करते हैं तो ज़रूर बनवाया जाता है, चाहे वो आर्य समाज में शादी हो या कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया जाता हो, मुस्लिम शादी हो, क्रिश्चियन शादी हो, मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, कहीं भी शादी आप कर रहे हो, सभी जगह डिक्लेरेशन एफिडेविट बनवाया जाता है। और अगर आपको आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं, और जो भी चीज़ इस वीडियो में रह गया वो आप पूछ सकते हैं और पूछ करके आप सही तरीके से अपने मैरिज को, कोर्ट मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो से ज़रूर हेल्प मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।